काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के आज के इस अध्याय में हम बताएंगे मल्टीपल यानी ऑल लेजर अकाउंट्स कैसे देखें और उनका प्रिंट कैसे निकालें, सिंगल यानी वन लेजर अकाउंट की प्रिंटिंग कैसे करें और ग्रुप ऑफ अकाउंट्स की प्रिंटिंग कैसे करें। इस वीडियो में हम आपको तीन छोटे छोटे ऑप्शंस समझा रहे हैं। पहला है ऑल लेजर अकाउंट्स। यदि किसी कारण से आप अपने सभी लेजर्स की रिपोर्ट को एक साथ देखना चाहते हैं या वर्ष के अंत में आप अपने रिकॉर्ड के लिए सभी लेजर्स का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये काम आप ऑल लेजर अकाउंट्स की सहायता से कर सकते हैं। दूसरा है वन लेजर अकाउंट। जब आपका कोई कस्टमर उसके और आपके बीच हुए ट्रांजैक्शंस की जानकारी मांगता है तो उसके लिए आपको उसके लेजर का प्रिंट निकाल कर उसे देना होता है और ये काम आप वन लेजर अकाउंट की सहायता से कर सकते हैं। तीसरा है ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। कई बार अपनी वसूली के लिए या अपने कस्टमर्स से हिसाब कंफर्म करने के लिए अपनी लेनदारी यानी सन्ट्री डेटर्स ग्रुप के सभी लेजर्स की रिपोर्ट के प्रिंट निकालने की जरूरत होती है तो ये काम आप ग्रुप ऑफ अकाउंट्स की सहायता से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये सभी काम किस तरीके से किए जाते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ ऊपर टॉप मेन्यू बार में आप प्रिंट ऑप्शन देख रहे हैं। ध्यान रखें ये ऑप्शन टैली में काम करते हुए सभी स्थानों पर मिलता है, यानी आप टैली में कहीं भी किसी भी काम के बीच इसकी सहायता से प्रिंट निकाल सकते हैं। हम इसका शॉर्टकट ऑल्टर और पी प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ दिखाई दे रहे तीनों ऑप्शंस के बारे में हम पिछली दो वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं। यहाँ हम अदर्स के लिए ओ प्रेस करेंगे। ये देखिए मल्टी अकाउंट रिपोर्ट्स के अंतर्गत कुछ रिपोर्ट्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से आज हम इन तीन ऑप्शंस पर काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको एक खास बात बता दें कि मल्टी अकाउंट रिपोर्ट्स ऑप्शन टैली के एजुकेशनल वर्जन में दिखाई नहीं पड़ता, ये सिर्फ लाइसेंस्ड वर्जन में ही मिलता है। चलिए अब इन ऑप्शंस को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है ऑल लेजर अकाउंट्स। यदि आप अपने सभी लेजर्स की रिपोर्ट एक साथ देखना चाहते हैं या उनका प्रिंट एक साथ निकालना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए प्रिंट विंडो आ रही है। आगे बढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसके लिए हम सी प्रेस कर रहे हैं। यहाँ शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट आ रही है। इसमें आपको जो भी चेंजेस करना हो आप डाउन एरो से उस पर जाकर एंटर प्रेस करके कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीरियड पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो पीरियड टाइप करेंगे जिस पीरियड के सभी लेजर्स के प्रिंट निकालने हों। हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का पीरियड टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। इसके बाद प्रिंट में जो भी दिखाना हो उसे यस करना होगा और जो नहीं दिखाना हो उसे नो रहने दें। शो नरेशन को यस करने के लिए हम उस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को एंटर प्रेस करके डिटेल्ड कर रहे हैं। शो इन्वेंटरी डिटेल्स को यस कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक ऑप्शन है स्टार्ट ईच अकाउंट ऑन अ फ्रेश पेज। यदि आप इसे यस रहने देंगे तो किसी भी लेजर का प्रिंट समाप्त होने पर दूसरे लेजर का प्रिंट अगले पेज से शुरू होगा। कहने का मतलब ये है कि हर लेजर का प्रिंट नए पेज से शुरू होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि किसी भी लेजर की प्रिंटिंग के बाद दूसरे लेजर की प्रिंटिंग भी उसी पेज से शुरू हो जाए तो आप इसे नो कर दें। ऐसा करने से प्रिंटिंग में लगने वाले पेज कम हो जाएंगे। हम इसे नो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट इंडेक्स पेज ऑल्सो, यानी इंडेक्स पेज भी प्रिंट करें। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो लेजर्स के प्रिंट निकाल रहे हैं क्या आप उनका इंडेक्स भी चाहते हैं? अगर हाँ तो इसे यस रहने दें। इसके नीचे है टाइटल। यदि आप रिपोर्ट की शुरुआत में कोई टाइटल देना चाहते हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट,
तो हमने टाइटल पर जाकर एंटर प्रेस किया और जो टाइटल देना है वो टाइप कर दिया, फिर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप चाहें तो यहां से सबटाइटल भी बदल सकते हैं। हम यही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह आप अपनी जरूरत के अनुसार और भी कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर हमारा आपसे निवेदन है, लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के सभी ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए यस नो करके, और यदि किसी ऑप्शन में कोई सब ऑप्शंस भी हैं तो उन्हें भी एक एक करके ट्राई जरूर करें। हमें अब कोई चेंजेस नहीं करना है तो अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए आई प्रेस कर रहे हैं। अब इसे जूम कर लेते हैं। ये देखिए, हमने जो पीरियड लिया था उसकी पूरी रिपोर्ट आ रही है। हमने टाइटल में जो नाम दिया था वो यहां दिखाई पड़ रहा है। सभी लेजर्स अल्फाबेटिकली यानी एबीसीडी के क्रम में आ रहे हैं। एक लेजर के समाप्त होने पर उसी पेज पर दूसरा लेजर शुरू हो रहा है, यानी यदि आप प्रिंट करेंगे तो दूसरे लेजर की प्रिंटिंग नए पेज से नहीं होगी। साथ ही आप देख रहे हैं इसमें नरेशंस और इन्वेंटरी की डिटेल्स भी आ रही हैं। यदि आप सिर्फ अपने सभी लेजर्स की रिपोर्ट को एक साथ देखकर कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो इस प्रीव्यू की सहायता से कर सकते हैं। और यदि आप सभी लेजर्स का प्रिंट लेना चाहते हैं तो दो बार एस्केप की प्रेस करें, फिर पी प्रेस करें। अभी हम इसका प्रिंट नहीं लेना चाहते बल्कि इसका इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बार और एस्केप की प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, इंडेक्स दिखाई पड़ रहा है। इस इंडेक्स पेज का फायदा यह है कि हम इसकी सहायता से ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा लेजर किस पेज पर है। याद रखें, सभी लेजर्स की प्रिंटिंग के बाद इंडेक्स पेज प्रिंट होता है। आइए बात करते हैं वन लेजर अकाउंट की। उसके लिए पहले ऑल्टर और पी प्रेस करें, अब ओ प्रेस करें। अब यहां दिखाई पड़ रहे वन लेजर अकाउंट पर जाकर एंटर प्रेस करें। लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रही है। अब आप जिस लेजर का प्रिंट चाहते हैं सर्च बार में उसका नाम टाइप करें और फिर एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही प्रिंट विंडो आएगी। यहां से आप पहले बताए अनुसार कॉन्फिगर कर सकते हैं और फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए अब तीसरा ऑप्शन ग्रुप ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं। हम ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रही है। इसमें से आप कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करके उसके अंतर्गत बने लेजर्स के प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से अपनी वसूली या कस्टमर से कंफर्म करने के लिए अपनी लेनदारी यानी कि सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के सभी लेजर्स के एक साथ प्रिंट निकालने की जरूरत पड़ती है। हम सर्च बार में टाइप कर रहे हैं सन्ड्री डेटर्स और एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, प्रिंट विंडो आ रही है। इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए सी प्रेस कर रहे हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में से हम सभी मुख्य बातों के बारे में आपको पहले समझा चुके हैं। यदि आप सिर्फ वसूली के उद्देश्य से प्रिंट लेना चाहते हैं तो पहले बताए अनुसार कॉन्फ़िगर करके प्रिंट ले सकते हैं, और यदि आप पार्टीज से कंफर्म करने के लिए प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पहले पीरियड चेंज कर लें। इसके बाद है रिपोर्ट टाइप। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं और यहां से कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट ले रहे हैं। शो नरेशन को यस कर रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को डिटेल्ड कर रहे हैं और शो मोड ऑफ पेमेंट को यस कर रहे हैं। अब हम प्रोवाइड कंफर्मेशन स्टेटमेंट पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, रिपोर्ट डिटेल्स आ रही हैं। इसमें यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ आप जो भी लिखेंगे वो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट प्रिंट करने पर उसमें लिखा दिखाई देगा। हमें कोई चेंजेस नहीं करना है तो हम एस्केप की से वापस पीछे चलते हैं।
टाइटल और सबटाइटल में यदि आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। पार्टी डिटेल्स में आप अपनी जरूरत के अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। और सबसे आखिर में है नंबर ऑफ कॉपीज। आपको जितनी कॉपीज प्रिंट करने की जरूरत है वो यहां टाइप कर दें। हम दो टाइप कर रहे हैं। ऐसा करने से हमें एक ही बार में सभी प्रिंट की दो दो कॉपीज मिल जाएंगी। सभी चेंजेस के बाद हम इस प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखने के लिए आई प्रेस करें और जूम करें। स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं कि सभी कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट प्रिंट करने पर किस तरह के दिखाई पड़ेंगे। अब यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो दो बार एस्केप की प्रेस करके प्रिंट के लिए पी प्रेस करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया टेली प्राइम में मल्टी लेजर, सिंगल लेजर और ग्रुप वाइज लेजर रिपोर्ट प्रिंट करना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।